हेलो गाइस, स्वागत है आपका। इंडिया एडिटिंग में आज सिखाने वाले हैं कुछ इस तरह का पोर्ट्रेट एडिटिंग, डबल कलर पोर्ट्रेट एडिटिंग। तो गाइस लास्ट तक देखना वीडियो, और वीडियो कहीं भी स्किप मत करना। स्किप कर दोगे तो मिस कर दोगे, मिस कर दोगे तो मज़े नहीं आएंगे और अच्छी भी नहीं लगेगी आपको फोटो। और जो भी मैं PNG यूज़ करूँगा इस वीडियो में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन वीडियो उसमें मिल जाएगा लिंक में, तो आप वहाँ से आकर आसानी से कर देना। गाइस चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो गाइस सबसे पहले स्नैपशीट ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद प्लस पे क्लिक करेंगे। प्लस पे क्लिक करने के बाद अपनी पिक को ले लेना जिसका आप बनाना चाहते हैं। तो मैंने एक पिक ले ली है। पेंसिल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे गाइस। क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे, ब्लैक एंड वाइट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इधर डार्क पे क्लिक करेंगे ऑप्शन पे, वैसे 25 रख के इधर से करेंगे डन। डन करने के बाद ऊपर एरो को निशान पर क्लिक करेंगे और बी एडिट पर क्लिक करेंगे गाइस। बी एडिट पर क्लिक करने के बाद ब्लैक एंड वाइट पर लेयर पर क्लिक करके ब्रश पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद गाइस इसको ऑन करेंगे इधर से, और जो हमारा फेस है पूरा उसको इरेज कर लेंगे ऐसा जीरो करके। आप जूम से अच्छे तरीके से करना, आप आराम से करना एयर बेयर की तरफ से। अगर आपका ऐसा हो जाता है कोई दिक्कत ना, नहीं हंड के सो करके या जाने की इसे इसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर आते हो सब कर लेता हूँ जीरो करके, तो जूम करके करना आप अच्छे से। मैं इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ कि थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। पैरों वैसे भी कर देते हैं गाइस जीरो करके, आप खींचा यहाँ कर सकते हैं, वहाँ पर यहाँ आपका बॉडी का पार्ट है। इधर से करना डन गाइस। इतना हो जाने के बाद वापस आएंगे एरो पे, पेंसिल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे गाइस। ऐसे डबल एक्सपोज का क्लिक करेंगे, इधर से ऐड फोटो में आएंगे। एक PNG दूंगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। तो हम वहाँ से आसानी से आके डाउनलोड कर लेना। तो मैं एक PNG ले लेता हूँ। लेने के बाद कुछ आपको इस तरह से एडजस्ट करना है, सिर्फ कोने कोने पे इस टाइम में, और बीच वाली लेयर पे क्लिक करेंगे सर, ऐसे लगेंगे लाइटिंग पे। लाइटिंग करके इसको करेंगे डन। डन करने के बाद कई इधर पेंसिल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इधर लेना है आपको कर्व बेस का ऑप्शन है, इधर क्लिक करेंगे। इधर से कलर सेटअप सिलेक्ट करेंगे, मैं रेड सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपको जो पसंद हो वो कर सकते ले सकते हैं। कुछ इस टाइम लेंगे आज, इधर से करूँगा डन। गाइस स्टेप टू स्टेप करना, क्योंकि स्किप कर दोगे तो आपका सेम टू सेम नहीं बनेगा और आपका गड़बड़ हो जाएगा। ऊपर एरो के निशान पर क्लिक करेंगे, व्यू एडिट पर आएंगे, ऊपर वाली लेयर पर क्लिक करेंगे, ब्रश पर क्लिक करेंगे गाइस। क्लिक करने के बाद इसे सौ कर देंगे, इधर से सौ करने के बाद इसे ऐसे पेंट कर देंगे। सॉरी इधर हो गया, कर लेता हूँ। एक वाली इस वाली लेयर के भी करना है इधर, आपको बस अच्छे से आराम से जूम करके कर लेना। जिस टाइम में इतना करने के बाद इसको जो जीरो करेंगे, इसका जो हाथ है इस पर से इरेज करेंगे, वो हाथों पर नहीं रखना हमें, और शरीर पे ही कर देते हैं पूरा, तो वो अच्छा लगेगा। पूरा शरीर पर कर लेना गाइस आपको, तो एकदम लगा के बैकग्राउंड हमारा उभर के आ रहा है एकदम। इतना होने के बाद इधर रह गया है, इतना होने के बाद डन करेंगे तक।
डन होने के बाद वापस आएंगे, कैंसिल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, करवेस पर क्लिक करेंगे दोबारा, इधर से ब्लू सेलेक्ट करेंगे, इधर से लेने के बाद ऊपर वाला एरिया देखना गाइस, अभी ना लेने के बाद गिरे को थोड़ा इधर की तरफ लेंगे, थोड़ा डार्क हो जाए, अपने हिसाब से कलर एडजस्ट कर सकते हैं गाइस। तो फिर दोबारा कह रहा हूँ जो आपको अच्छा लगे, ऐसा नहीं है कि मेरे हिसाब से ही बनाना पड़ेगा आपको। इधर से करेंगे डन, डन करने के बाद ऊपर एरो को निशान है उस पर क्लिक करेंगे, व्यू एडिट पर क्लिक करेंगे, ऊपर वाली लेयर पर क्लिक करेंगे, ब्रश पर क्लिक करेंगे और इधर 100 कर देंगे इधर, और इसको ऐसे पेस्ट कर देंगे इस टाइम में कुछ ब्रश से, पहले पूरे में कर लेना है, फिर अपने हेयर और बॉडी पे से कुछ इस टाइम में हटाना है। इतना होने के बाद गाइस इधर जीरो पे सिलेक्ट करेंगे, इधर जूम करके अच्छी तरीके से आराम से करना गाइस, एकदम एच डी निकल के आई है आपको फोटो, एकदम सफाई से करेंगे तो आप जो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना क्लैरिटी कर सकते हैं। इतना होने के बाद इधर से करेंगे डन, डन होने के बाद इधर वापस आएंगे, पेंसिल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इधर ऊपर सबसे डिटेल में क्लिक करेंगे और इससे सैचुरेशन को थोड़ा बढ़ाएंगे, इससे क्या आपकी थोड़ी फोटोज जो है साफ हो जाएगी, इससे थोड़ा कम करेंगे इधर। इतना डन करने के बाद पेंसिल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इस सेलेक्टिविटी टूल पर आएंगे, अगर आपका पेज थोड़ा डल है तो प्लस पे क्लिक कर लेना नीचे, ऐसे जहाँ आपको मानना है ऐसे थोड़ा बाइट मिलेगी कि ऐसे सैचुरेशन में थोड़ा मारने से, और आपको और कहीं भी लगा इसका पहले जूम कर लेना, जो भी जहाँ आपको चाहिए तो इतना जूम कर लेता हूँ, प्लस पे क्लिक करेंगे इसके हाथों पर भी इसका साइज छोटा करेंगे, इसकी सैचुरेशन को बढ़ाऊंगा, सॉरी ब्राइटनेस को बढ़ाऊंगा, सैचुरेशन को माइनस करूँगा, इधर से करेंगे डन। गाइस देखो हमारा फोटो बन के रेडी हो चुका है एकदम, और डाउनलोड करने के लिए इधर से क्लिक करेंगे, इधर एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर देना, हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे, जब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।